अगर आपको साइड का फैट लॉस करना है, बहुत आसान योग क्रिया बता रही हूँ, रेगुलर कर लीजिए। इस तरीके से वॉल का सपोर्ट ले लीजिए और अपोजिट हैंड से ऐसा 50 टाइम्स करना है, और फिर लेफ्ट साइड, ये साइड का बिल्कुल फैट चले जाएगा, स्किन भी टाइट होगी। 50-50 टाइम दोनों साइड। घुटनों के दर्द से परेशान हो, इतना कि चलने में भी दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, रिवर्स चलना शुरू कर दो। आपके घुटनों के दर्द में आपको तुरंत आराम आएगा। इस तरीके से आपको रिवर्स वॉक करनी है रोज़ 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक आपको इस तरीके से रिवर्स वॉक करनी है आराम आराम से। आप देखोगे आपको धीरे धीरे घुटनों के दर्द में भी आराम आएगा, और जो चलने में दिक्कत होती थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और आप अच्छे से वॉक कर पाओगे। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान है, 3 योग क्रिया बता रही हूँ, रेगुलर कर लीजिए, फर्स्ट टाइम में ही आपको रिलीफ आएगा। सबसे पहले पैरों के पंजों को आगे और पीछे इस तरीके से 10 टाइम्स करना है, और इसके बाद दोनों हाथों से मुट्ठी बना के पैरों की घुटने के आसपास इस तरीके से मसाज करनी है। 20 टाइम्स ऐसा कर लीजिए, सबसे पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, और इसके बाद दोनों हाथों से इस तरीके से थाई को पकड़ना है और राइट वाला पैर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। टेन टाइम राइट साइड और 10 टाइम लेफ्ट साइड। की भी टमी टायर बन चुकी है, लोअर टमी का फैट खत्म करने के लिए एक बहुत सिंपल योग क्रिया बता रही हूँ, 100 टाइम्स करना है। क्या करना है, हाथों को इस तरीके से ऊपर, और ये आपका जो थाई है आपकी टमी पे टच होना चाहिए 100 टाइम्स, ये जो टमी है बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर आपके पैर में सूजन आ गई है, नसें दिखने लगी है, एक योग अभ्यास बता रही हूँ, रेगुलर कर लीजिए। दोनों फिंगर इंटरलॉक, इस तरीके से ताड़ासन में आना है, और ताड़ासन में आके आपको वॉक करनी है इस तरीके से, 1 मिनट तक आपको वॉक करनी है। अगर आपको लोअर बैक में दर्द है, जिसके कारण आप भारी सामान नहीं उठा पाते हो, ट्रैवलिंग के टाइम पे बैग नहीं उठा पाते हो, तो आज मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, जिससे आपका लोअर बैक का दर्द जो है वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा। बैग को आपको आगे टांगना है। अगर इस तरीके से आप बैग को टांगोगे तो आपकी बैक, आप देखोगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ रहती है, जिससे आपके लोअर बैक में भी जो दर्द है उसमें भी आराम आएगा, प्लस आप बैग आराम से कैरी कर सकते हो। अगर आपको फेस पे बुढ़ापा दिखने लगा है, 3 आपको ऐसे फेस योगा बता रही हूँ जिससे आपकी उम्र 10 साल तक छोटी दिख सकती है। रोज़ आपको करना है, 10 दिन के अंदर आप डिफरेंस देखोगे। सबसे पहले इस तरीके से फेस को पिंच करना है, अपने आईब्रो के पास भी, और आंखों के ऊपर नीचे इस तरीके से, अगर पफिनेस है वो भी जाएगी। और इसके बाद जो आपके फिंगर्स है उससे टैप करना है, और इसके बाद क्या करना है, जैसे आप थ्रेडिंग पकड़ते हो ना, इस तरीके से नोज पे उंगलियां रखे, और दूसरे हाथ से जो आपकी चिक बोन है इसको ऊपर की तरफ, 10 टाइम्स राइट साइड और 10 टाइम लेफ्ट साइड।